हेलो फ्रेंड्स, तो आज संडे हैं 21 अगस्त, और तो आज हम पहुँचे हैं कुस्के गांव में, कुस्के वाटरफॉल के पास। खोतीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता हूँ ये कुस्के गांव। मड़गांव से ऑलमोस्ट 78 किलोमीटर होगा, गूगल मैप 78 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हमने हमारी गाड़ी नीचे खड़ी की है। कुस्के का वाटरफॉल ये बाजू में है, जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है ये बाजू में है। और गाड़ी पार्किंग करने के बाद आपको एक 15 मिनट तक ऊपर चढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी हाइट है, लेकिन जो ट्रैक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आगे एक टोल गेट भी है, वहाँ पे आपको कुछ एंट्री फी देनी पड़ेगी। तो एंट्री फी कितनी है वो तो मुझे पता नहीं है। आप बच्चों को भी लेके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ एंट्री फी देनी पड़ेगी। एंट्री फी है 100 रुपीज एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए है 30 रुपये। जो वाटरफॉल की आवाज़ है वो आप सुन रहे होंगे। ऑलमोस्ट मैं वाटरफॉल के पास पहुँचने वाला हूँ। तो ये 5 बजे क्लोज होते हैं, मतलब जो गेट हैं वो 5 बजे क्लोज होते हैं, और आपको जल्दी नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि जंगल होने के कारण यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है। तो अगर आप बच्चों के साथ आए हैं या फैमिली के साथ आए हैं तो आप जल्दी आके जल्दी से यहाँ से नीचे उतरे तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं वाटरफॉल के पास। पानी वहाँ से बह के ये आप वाटर रैपिड देख सकते हैं। ये यहाँ से एकदम नीचे तक गए हैं, वहाँ पे नीचे एक गांव भी है। तो अभी मैं आपको वाटरफॉल जहाँ पे गिरता है वो जगह पे लेके जाऊँगा। तो चलिए का वाटरफॉल जो अभी हमने विजिट किया है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। थोड़ा सा अंदर पड़ता है लेकिन चलने का रास्ता बहुत सही है।
कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। मैं गोवा के हर वो जगह पे, ऑफिस जगह पे जाता हूँ और वहाँ पे एंजॉय करता हूँ, साथ में वीडियो निकालता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ आप लोगों के लिए देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।